हाय गाइस, टारगेट टू और सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको अपना बुक कलेक्शन दिखाना चाहती हूँ। मुझे बहुत मन था कि मैं आपको अपनी बुक्स शेयर करूँ, जितनी भी मैं बुक्स पढ़ती हूँ, चाहे वो मेरी मैथ्स से रिलेटेड बुक हो या कोई भी अदर बुक हो। मुझे जो बहुत शौक है एक बुक्स को कलेक्ट करने का, मेरे पास सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, चाहे वो सिक्स हो, सेवन्थ हो, एट्थ हो, नाइन्थ हो, टेंथ इलेवन, यानी कि हर क्लासेस की है, चाहे वो एमबी हो, एमसीएस यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, या पीसीएस आईएस, जितनी भी बुक्स होती हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे बुक्स कलेक्ट करना। तो मैं आज आपके साथ ये सारी मेरी पूरी लाइब्रेरी शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी बहुत सारी कलेक्शन की वीडियो मैं लाऊंगी। जो भी आपको बुक्स चाहिए या कोई अच्छा राइटर, फिर भी मैं बता सकती हूँ आपको। तो देखिए, पहले मैं अपने स्टार्ट करती हूँ। ये मेरी बुक है, ये पूरी पूरा सेक्शन मैंने साइंस का बनाया है, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो, आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो, ये सारी आपको साइंस की बुक अवेलेबल होगी। क्योंकि जब भी हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें सारी बुक्स की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होंगे, चाहे वो एलटी रेट के हों, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों, या कोई भी अदर एग्जाम होते हैं, तो हमारे एक जनरल साइंस या आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये मेरे पास पूरा बुक्स का कलेक्शन है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये केमिस्ट्री की बुक है, कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री है, ये आपकी सीबीएसई से रिलेटेड बुक है। ये देखिए, सीबीएसई के सीटेट के आपके सैंपल पेपर भी होंगे। ये आपकी साइंस की बुक है, आप देख सकते हैं साइंस की बुक है पूरी। ये सारी आपके सिक्स से लेकर एट तक की एनसीईआरटी की सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो जैसे हम एक बुक देखते हैं, ये हमारी बुक है, देखिए हिंदी तक की मेरे पास बुक अवेलेबल होगी। ये हिंदी की यूपी बोर्ड की बुक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में हिंदी आती है, तो हिंदी की बुक भी ये मेरे पास अवेलेबल है। अब देखिए, एक सेक्शन में दिखाती हूँ अपना पूरा मैगजीन्स का और आईएएस की तैयारी का। ये देखिए, मैंने सारे नोट्स भी अवेलेबल करा रखे हैं, ये सारे नोट्स हैं जो आपको कॉपी पर पढ़ाती हूँ, उसकी ये पूरी आपकी ये डायरी है। ये देखिए, आईएएस की 2016 में मैंने परचेज की हुई है, ये आपकी जीके की बुक है, सामान्य अध्ययन की बुक है, इसमें आपको सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी। ये मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं। ये देखिए, एक यूपी ट्रिपल एससी की बुक भी है चकबंदी के लिए, और ये सारी मैगजीन्स है। देखिए, आपको मैगजीन्स दिखाती हूँ, ये मेरी मैगजीन है, ये मैं प्रतियोगिता दर्पण जो है रेगुलरली टच में रहती हूँ इसके, और ये मुझे अच्छा लगता है खरीदना भी और पढ़ना भी। इसी तरीके से एक ये मेरी बुक है, आप कहते हो मैथ की बुक जो होगी, ये देखिए कितनी मोटी आरडी शर्मा की बुक है, ये मैंने आरडी शर्मा की पूरी बुक ले रखी है। इसी तरीके से ये सारे नोट्स अवेलेबल है, आपको और दिखाती हूँ। देखिए, ये जितनी भी हैं ये सारी मैथ्स की बुक हैं, ये मैथ्स ट्वेल्थ की बुक है, जैसे देखिए आप इसे देख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की बुक है, ये सारी यूपी बोर्ड की बुक लगी, इधर सीबीएसई की लगी हुई है। ये देखिए, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, उसके बाद ये कैलकुलस का कलेक्शन मिलेगा, और ये आपको मिलेगी बीएससी की बुक मिलेगी, जितने भी हैं ये आपके। देखिए, वॉल्यूम और सरफेस वाली बुक है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये नेक्स्ट देखिए, जितनी भी बुक्स हैं सब आपको, ये पूरे ट्वेल्थ का कलेक्शन मिलेगा, टेन ट्वेल्थ सारी चीजों का कलेक्शन मिलेगा। इसी तरीके से ये देखिए, ये सीबीएसई की बुक है सारी, और कंपटीशन की बुक भी इसके साथ में मिलेगी। जैसे कि हम बात करते हैं कंपटीशन की एसडी शर्मा की, तो देखिए एसडी शर्मा की बुक है ये पूरी, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बुक ओपन की है, ये हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है। इस तरीके से मैंने पूरा बुक्स का कलेक्शन बनाया है, आप जितनी भी बुक्स देख सकते हैं। देखिए, मैंने सीबीएसई की बुक लगाई है, ये जैसे इलेवेंथ की बुक है, और पीछे भी सारी आपको बुक मिलेगी। ये मेरी बीएससी की बुक है, देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन की बुक मिलेगी, और ये आपका साथ में देखिए, ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की बुक है, इसी तरीके से ये भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की बुक है, ऑपरेशन रिसर्च तक की भी बुक मिलेगी आपको। ये सारी बुक्स अवेलेबल होंगी ये लाइब्रेरी है। देखिए, और भी है मेरे पास, जैसे फिजिक्स की बुक मिलेगी, लखवीर सिंह की बुक मिलेगी, या टीजीटी के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, पीसीएस की ये बुक है देखिए, और ये टीजीटी के गाइड, आप टीजीटी के गाइड देखना भी चाहेंगे, ये टीजीटी की पूरी गाइड है, मैथमेटिक्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, या केवीएस एनवीएस और टीजीटी एग्जाम में आ जाती है, इसमें पूरा चैप्टर वाइज थ्योरी है। अरिहंत की बुक है, आप इसे देखिए, बहुत अच्छी बुक है, आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बुक है।
इसी तरीके से मैंने पूरी बीसीए की बुक लगाई है, ये ऑप्टिमाइजेशन की बुक है। स्टैटिस्टिकल अगर आपको पढ़ना है वो बुक अवेलेबल है मेरे पास। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक है, ये देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक भी है, रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक भी है। इसी तरीके से हाइड्रोस्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स की बुक अवेलेबल है, ये डिफरेंस इक्वेशन की बुक है जो कि बीएससी में बहुत आती है काम। इसी तरीके से देखिए ये मेरी लिखी हुई बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ये भी कंप्यूटर साइंस मनीषा सिंगवाल, ये आपकी एक एमसीए में पेपर होता है एमएफसीएस यानी कि मैथमेटिकल फाउंडेशन कंप्यूटर साइंस, ये बुक मैंने लिखी थी 2013 में। ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये वाली बुक थी, और दिखाती हूँ अपना पूरा आईएएस और पीसीएस और कंप्यूटर साइंस का कलेक्शन। तो आइए मेरे साथ, अब चलते हैं हम अपने दूसरे कलेक्शन पर, यानी कि हमारी जो दूसरी लाइब्रेरी है उसके कलेक्शन पर। लाइट्स ऑन कर लेते हैं, ये देखिए। अब मैं पहले आपको शेयर करना चाहती हूँ अपने नोट्स, देखिए पीसीएस के नोट्स हैं ये। ये देखिए, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, इनको अपनी अलमीरा में पूरा चिपकाया है। इसी तरीके से सेम हमारे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस और ये हमारी सारी जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, और ये क्योंकि युद्ध याद नहीं रहते वार्स, तो इसलिए मैंने ये भी लगाया है साथ में। ये देखिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कब आए थे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सेम ओंगल और कर्नाटक का युद्ध, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और आंगल मैसूर का युद्ध, इसी तरीके सारे आंदोलन है। ये देखिए कलेक्शन दिखाती हूँ मैं अपने कंप्यूटर साइंस की बुक्स का कलेक्शन। ये आपको सी की बुक मिलेगी, ये मैंने कवर्स चिपका रखे हैं बाकी सब पर। ये मेरी .NET की बुक है, ये अंडरस्टैंडिंग सी की बुक है, इसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क की है, डा, प्रोग्रामिंग, सी एंड सी प्लस प्लस, ये गेट से रिलेटेड बुक है। इसी तरीके से थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, सेम हमारे यहाँ पर मिलेगी ग्राफिक्स की बुक्स, नेटवर्किंग, और ये सिस्को का कोर्स होता है नेटवर्किंग में, उससे रिलेटेड बुक है। ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और अब दिखाती हूँ मैं अपना पूरा एमबीए का कलेक्शन। तो देखिए ये एमबीए की बुक मिलेंगे, सिम्बायोसिस से एमबीए की बुक है मेरे पास सारा कलेक्शन, ये सिम्बायोसिस से एमबीए की बुक है। सेम अभी दिखाते हैं, अभी हम घटना चक्र, देखिए मेरे पास सारी की सारी अवेलेबल है 8 की 8। ये मेरी सामान्य अध्ययन की यानी कि सामान्य भूगोल की बुक है, इसी तरीके से हिस्ट्री की भी है, ये हिस्ट्री की बुक है। तो देखिए सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, दिखा देती हूँ। ये हिस्ट्री की है, ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है, इसी तरीके से नीचे वाली ईवीएस की बुक है। सेम आपकी अंदर जो मिलेगी ये साइंस की बुक मिलेगी, और अभी फिलहाल बाहर रखी है एक, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ उसकी बुक है। ये छोटी छोटी बुक्स मिलेंगी, सारे नोट्स अवेलेबल हैं ये सारे। ये देखिए लूसेंट तक भी मिलेगी मेरे पास, ये लूसेंट की बुक है, मैंने हाफ ऑफ कर दिया है, एक पार्ट ये रहा है और एक पार्ट दूसरा, जिससे कि हमें आसानी हो पढ़ने में। सेम यूपी का जो पूरा मिलेगा, यूपी की भी मेरे पास बुक अवेलेबल है। इस तरीके से आप हिस्ट्री की देख सकते हैं, विपिन चंद्रा की बुक भी है, और एक मैंने एसके पांडे भी खरीद रखी है, वो भी बुक्स हैं। अगर हम वर्णवाल की बात करें ज्योग्राफी में, वो भी हमारे पास बुक अवेलेबल है। ये देखिए, ये तो विश्व की या भारत की मेरे पास है, दूसरी लाइब्रेरी में रखी है। ये सारे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो आई होप, बहुत गर्मी है, आपको मेरी लाइब्रेरी अच्छी लगी होगी। मुझे आज आपसे यही शेयर करना था लाइब्रेरी। अगर आपको मेरी लाइब्रेरी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अभी हम वीडियो डालते हैं मैथ की, आगे हम पीसीएस की तैयारी भी अगर आप चाहते हैं तो स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि पूरा पीसीएस का कलेक्शन, जितनी भी बुक्स होती हैं वो हमारे पास हैं। तो ये मेरी लाइब्रेरी थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स रखना। ऐसा नहीं है, मेरे पास नॉवेल्स भी बहुत सारे हैं, तो मैं आपको एक नॉवेल भी दिखाती हूँ अपनी। ये देखिए, ये मेरी नॉवेल है गुनाहों के देव का, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं नॉवेल्स भी पढ़ती हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगली वीडियो के साथ, यानी क्योंकि हम 3D पढ़ा रहे हैं, 3D के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय।